हाय, दिस इज तापस मंडल। वेलकम टू लेट्स। जम्मू कश्मीर से मुझे बहुत सारे कमेंट मिला रिगार्डिंग GDS, तो इस वीडियो में मैं कुछ सिलेक्टेड कमेंट्स का यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सादिया फाज जी की। सादिया फाज जी ने यहाँ पे बोला जम्मू कश्मीर से है और 90% से है, तो यहाँ पे सिलेक्शन चांसेस कितने हैं। मैं आपका सिलेक्शन चांसेस बता पाऊंगा, हाई चांसेस है या मॉडरेट चांसेस है या लो चांसेस है। तो फर्स्ट ऑल आपको सारे डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करना है। फर्स्ट आपको क्या प्रोवाइड करना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। सेकंड आपको प्रोवाइड करना है आपका कौन सा डिविजन है। थर्ड आपको क्या प्रोवाइड करना है, आपने कितनी पोस्ट पे अप्लाई किए हो। और नंबर फोर आपको प्रोवाइड करना है आप कौन सा कैटेगरी का हो, चाहे आप SC कैटेगरी का हो या ST या OBC या PWD या EWS कैटेगरी हो। ये फोर डिटेल्स अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं अज्यूम कर पाऊंगा या आप लोगों का जो चांसेस है सिलेक्शंस का ये बोल पाऊंगा। ठीक है, तो ये ऐसे बोल पाऊंगा हाई मॉडरेट और लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एज्यूमिंग मतलब एजम्पशंस है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो देखो, फर्स्ट हम आपका अगर बात किया जाए तो साजद फाज जी, तो आपका 90% है। तो आप अगर ये सब मेंशन कर देते तो मुझे बोलने में बहुत ही सुविधा होता, फिर भी आपका 90% बहुत ही हाई मार्क्स है GDS में सिलेक्शंस होने के लिए फ्रॉम जम्मू कश्मीर। तो आपका अगर चांसेस का बात किया जाए तो आपका चांसेस बहुत ही हाई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्जुन ए। तो अर्जुन ए 82% है, SC कैटेगरी है। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए था कौन सा डिवीजन से आप बोल रहे हो, क्योंकि हम डिविजन्स वाइज यहाँ पे हम काट ऑफ रिलीज भी की। आप देख सकते हो डिविजन्स, हर डिविजन्स पे अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी रहता है, वैकेंसी के ऊपर काट ऑफ भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा डिटेल्स में मुझे कमेंट करो। नेक्स्ट यहाँ पे एक भाई ने यहाँ पे बोला ले में, ले जो एक डिविजन है ना जम्मू कश्मीर में, तो ले में बोला 70% से ऊपर कोई नहीं है OBC में। तो आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं जो ले में OBC कैटेगरी 70% से ऊपर नहीं है। तो आपका बोलने का तरीका यही है, अगर 70% से ऊपर नहीं है मतलब यहाँ पे काटअप इतना हाई नहीं होगा। मैं जो काटअप यहाँ पे दिया था एक्सपेक्टेड काटअप ले का, अगर आपको दिखाऊं ले में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 15। ओके, तो लेकिन तो ले में हाई काटअप रहेगा, तो इसका रीजन है कि आपने बोला था ले में तो 70% सर OBC के लिए हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो ले में कैसे इतना कटअप ज़्यादा हो। देखो, एक चीज़ आपको मैं बोलना चाहूँगा, अगर ये सच है ले में OBC कैटेगरी के लिए 70% 80% ऐसे बहुत ही ज़्यादा होता है, तो जो कैंडिडेट हाई मार्क्स मतलब जो कैंडिडेट के हाई मार्क्स हैं वो ले में अप्लाई करेगा, अलग डिविजन्स का कैंडिडेट भी ले में अप्लाई करेगा, तो वहाँ पर कटअप मतलब नॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ही कम है, जो जो मतलब कैंडिडेट का परसेंटेज बहुत ही हाई है वो सारे कैंडिडेट अगर ले में अप्लाई करेगा अलग डिवीजन से, तो यहाँ पे कटअप नॉर्मली हाई हो जाएगा। तो सिलेक्शंस का प्रोसीड्योर कुछ ऐसे हैं, तो आप लोगों का अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बोलो। और आप लोगों का जो मैं ये जो फोर चीज़ बोला यहाँ पे परसेंटेज डिवीजन कैटेगरी और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अप्लाइड, ये सारे डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करो कमेंट पे, तो मैं आप लोगों का सिलेक्शन जो चांसेस हैं उसके बारे में कुछ बोल पाऊंगा। So this is the end of the discussion. Hope you all enjoyed the discussion. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you and God bless you.